नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जिसे क्रिकेट की दुनिया में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि भारत का बच्चा बच्चा उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जानता है। हम आज बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने 2011 में विश्व कप में आखिरी बॉल पे छक्का मारकर भारत को विजय दिलाई थी। एमएस धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं तीनों ही फॉर्मेट में, चाहे वो T20 हो, ODI हो या टेस्ट क्रिकेट हो। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन कूल कभी भी किसी भी हालात में प्रेशर फील नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे कि एमएस धोनी को कौन-कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से एमएस धोनी को सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2009 में पद्म श्री से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2007-08 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि किसी भी इंडियन स्पोर्ट पर्सन के लिए हाईएस्ट अचीवमेंट अवार्ड होता है। 2006 में एमटीवी यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एमएस धोनी को। एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला 2013 में। 2011 में ऑनरेबल डॉक्टर डिग्री मिली उन्हें डी माउंट फोर्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा। सीएनएन न्यूज 18 ने इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया 2011 में। 2019 में झारखंड एसोसिएशन ने अपने साउथ स्टैंड का नाम एमएस धोनी के नाम पर रखा। 2023 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सीट नंबर J282 से लेके J286 तक धोनी के नाम पे डेडिकेट कर दी। ये वो जगह है जहां पे महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था वानखेड़े स्टेडियम में 2011 में आखिरी बॉल पे छक्का मारकर। तो ये कुछ अवार्ड्स की लिस्ट थी जो एमएस धोनी को मिले थे अपनी क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाने की वजह से। तो आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। आशा है कि आप आगे भी हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।